आकाश में घनघोर घटा तो छा गई, किंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई। चले आए बदरा गोकुल के द्वारे, मन को रे जाने मलहार गाने। चले आए बदरा गोकुल के द्वारे, मन को रे जाने मलहार गाने। मुरली के थन पर नाच ले बादल, क्यों इतना इतराए। घन घन कर जे गाहे बबर से, सब मिलकर जप कारे। बरसूरी मकरासुर नाश करने आया।
महाकाल आदेश महाराज। गोकुल में उत्सव बनाया जा रहा है, वहां के गोकुलवासी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लगता है कृष्ण ने फिर से एक बार गोकुल की विपदा का अंत कर दिया। शीघ्र जाओ और उनकी इस प्रसन्नता को करम धनु दुख में बदल दो। झील वर्षा के जल से भरने लगी है। यदि कुछ दिन ऐसे ही वर्षा होती रही तो गोकुल में जल की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हाँ नंदराज, वर्षा से खेतों में हरियाली छाने लगी और लोगों में खुशहाली। मित्रों, चूंकि इस बार आवश्यकता से अधिक वर्षा के जल को संग्रहित करना है, इसलिए जलाशय का अनुमान लगाना अति आवश्यक है। रमन और मंगल, तुम झील के उस तट पर जाओ और जल का अनुमान लगाओ। जी नंद जी। मैं उस तट पर जाकर जल का अनुमान लगा कर आता हूं। लाओ ये लाठी मुझे दे दो। थोड़ा सा और प्रयत्न करना होगा, थोड़ा सा और जल के भीतर जाने की आवश्यकता है। माखन छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मगर आसुर, तुम मुझे नहीं अपने अंत को बुला रहे हो। गजब हो गया, गजब हो गया यशोदा महल, गजब हो गया। बाहर आइए यशोदा रानी, बाहर आइए। क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? यशोदा महल, नंदराज झील के किनारे गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्य को तो तैरना भी आता है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ भ्राता जी, ऐसे कैसे अचानक अदृश्य हो सकते हैं? दाऊ, मुझे जाना होगा। हाँ कान्हा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। संभालो अपने आप को यशोदा, भ्राता जी को कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है भ्राता श्री वही कहीं झील के आसपास ही होंगे। रमन भैया, हमें पुनः वहाँ झील के आसपास भ्राता श्री को खोजना चाहिए, वो हमें अवश्य ही मिल जाएंगे। भाइयों, हम सब लोगों को नंदराज को ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो। मैया, मैं भी आऊंगा आपके साथ। नहीं लल्ला, तू और बलराम घर पर ही रुकेंगे। देखो मैया के साथ इतने सारे गांव वाले जा रहे हैं ना बाबा को ढूंढने के लिए, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यशोदा, सर्वप्रथम तुम खुद को और दोनों बालकों को संभालो। मैं गांव वालों की सहायता से भ्राता श्री को खोजने का कार्य आरंभ करती हूँ।
ठीक है जीजी, आप जाइए, मैं शीघ्र आती हूँ। मैया, आप समझते क्यों नहीं कि वहाँ बाबा को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों इसी कक्ष में रहना, इस कक्ष से कहीं बाहर मत जाना। मैया, मुझे भी बाबा को खोजने जाना है। चुप कर लल्ला, तुझे मेरी सौगंध है, तू इस कक्ष से बाहर नहीं निकलेगा। देख लल्ला, मैं पहले तेरे बाबा को लेकर चिंतित हूँ, तू मुझे और व्यर्थ चिंतित मत कर। बलराम देख, अभी तेरा उत्तरदायित्व है कि तुम दोनों इस कक्ष से बाहर नहीं जाओगे, समझा पुत्र? ठीक है मैया। किंतु मैया, मुझे तो जाना ही होगा। नंदरानी, जब हम उधर से जल का स्तर नाप कर आए तो नंद जी हमें नहीं मिले। अरे गए कहाँ? यशोदा बहन, जल में किसी प्रकार की हलचल भी नहीं थी। मैं जल के भीतर भी गया किंतु नंद जी नहीं मिले, और इस झील में किसी जलीय जंतु के होने का प्रमाण भी नहीं है जो नंद जी को हानि पहुंचाता। किंतु हो ना हो, इस घटना का संबंध इस झील से है। नंदराज यहीं पे लुप्त हुए हैं। अरे अरे, कहाँ हैं आप? धैर्य रखिए यशोदा, सब ठीक हो जाएगा। रमन भैया, हमें राधा जी को शीघ्र अति शीघ्र खोजना चाहिए। जी तूने मुझे बंधक क्यों बनाया है? कृष्णा के लिए। लेकिन तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र कृष्णा को मारने के लिए आया हूँ। ये तू क्या कह रहा है दोस्त? मेरे अबोध बालक कृष्णा को क्यों मारना चाहता है तू? बस थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी ही देर में तुम्हारा पुत्र तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा। छोटी मैया ने सौगंध दी है, अब हम बाबा की रक्षा कैसे करेंगे? मैया की सौगंध और बाबा का जीवन, दोनों की रक्षा मुझे ही करनी होगी दाऊ। कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा, निकाले मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, निकाले मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, निकाले मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। नंद, देख, तेरा पुत्र आ गया है। अब मुझे उसका स्वागत करने तो जाना ही पड़ेगा। तू मेरे बालक को क्यों दंड दे रहा है दोस्त दानव? मगर असुर, आओ कृष्णा। काना, तू यहाँ क्यों है पुत्र? मुझे क्षमा करना बाबा। मुझे आज तक ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि तुम असुर इतना हंसते क्यों हो? असुर जब हंसते हैं तो मुझे भी उनके साथ हंसी आती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अंत तक ये ज्ञात नहीं होता है कि उनका अंतिम समय उनके सामने खड़ा है। पर तुम असुर लोग होते बड़े कायर हो, तभी तो मुझे सीधे सीधे चुनौती देने के स्थान पर
मेरे प्रियजनों को दुखी करते हो। मगर आसुर, तूने मेरे बाबा को यहाँ लाकर अपने अंत को निमंत्रण दिया है। दल में रह के मगर से बैर। बैर तो तूने मोल लिया है। अब इस जगत में तुम्हारा समय पूर्ण हुआ मगरासुर। कृष्णा। मेरे क्रोध से तो जल में भी अग्नि भड़क उठती है। अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। साधारण से असर हो, कुछ तो असरदार करो। कृष्णा, बस अब मेरी बारी है। आओ 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 आओ। कृष्णा, ये मत भूल कि तेरे पिता भी यहीं पर हैं। तू मुझे अपनी शक्तियों से डरा रहा है। अब देख मैं तेरे पिता का अंत कैसे करता हूं। नंदराज आ रही है। राकेश्वरी, नंदराज यशोदा भाभी शीघ्र आइए, नंदराज मिल गए। अरे अरे, आंखें खोलिए नंदराज। राकेश्वरी आंखें खोलिए। अरे अरे उठे। यशोदा, मैं यहाँ कैसे? अरे क्या हुआ था आपको? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है यशोदा। राधाश्री आप ठीक तो है ना? हाँ बहन ठीक है। नंदराज आप सकुशल, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चलिए घर चलकर विश्राम कीजिए।